बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, स्वादिष्ट, लजीज, जो कह लीजिए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एकदम चटपटा और अच्छा है, तीखा भी कम है, एक तो कुरकुरा है इसलिए भी बेहतर है, दूसरा इसमें इसको जब आप खाएंगे तो प्रॉपर इसमें जो हल्का खट्टापन है उसका मजा आ रहा है, नमकीन और तीखा जो स्वाद अनुसार होना चाहिए एकदम बिल्कुल फिट है। इसमें ब्रेड का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ रहा है और मेयोनीज के साथ और भी टेस्टी लग रहा है। बस इसको खा के यही कह सकते हैं, स्वाद स्वाद और स्वाद। असूजी से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान रेसिपी बना के तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये रेसिपी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होती है। और इस रेसिपी को एक बार बना के हम 15 से 20 दिन के लिए फ्रीजर में और 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अमृता, सभी लोगों का घर का जायका में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। सूजी के इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया जिसे मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को स्लो रखा है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने एक चम्मच खड़ा चीरा, आधा चम्मच राई और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे वाइट वाला तिल डाला है। इसमें तिल आप ज़रूर डालें, इस रेसिपी में तिल का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अगर आपके पास वाइट तिल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा। और एक मिर्ची को मैंने बारीक काट और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और अदरक डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे जिससे अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। आप इसे मैंने 2 कप भर के पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है और आधा चम्मच कुटी काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। जब इस पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें मैंने 1 कप सूजी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने बारीक वाला सूजी लिया है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। सूजी को धीरे धीरे करके इस पानी में डाल देंगे और दूसरे हाथों से हम चलाते जाएंगे। एक ही बार में सारा सूजी ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। सूजी पानी में जाने के बाद बहुत ही जल्दी फूल जाती है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। आप इसे 1 मिनट चलाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि काफ़ी थिक होने लगा है। अब 2 मिनट तक किसी तरीके से चलाएंगे तो देखेंगे कि सूजी अब डोफ के फॉर्म में आने लगी है। दो मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे सूजी अब डो के फॉर्म में आने लगी है। जब सूजी अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाए तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढक्कन से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब सूजी अपने ही भाप में अच्छे से पक गई है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है। अब इसे मैंने 2 बड़े आलू को उबालने के बाद कद्दूकस कर लिया था, अब उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैंने ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को स्पैचुला की सहायता से मिक्स कर लेंगे। सूजी अभी काफ़ी गर्म है इसलिए हाथ से ना करें, अभी थोड़ी देर के लिए हमें स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अब इस डो को हम दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे स्पैचुला से फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये सूजी थोड़ी हल्की गर्म बची है। अब इस मिक्सचर का आप थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल कर लेंगे। आप चाहें तो आप किसी भी शेप का इसे बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे टिक्की का शेप बना सकते हैं या फिर इसे बॉल के शेप में भी बना सकते हैं।
मैंने यहाँ पर डो का एक लोई लिया जिसे हाथों की सहायता से मैंने गोल कर लिया है और इसे मैंने चकले के ऊपर रख के इसे लंबा कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा कि आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, मैं यहाँ पर लंबे शेप का बना रही हूँ। अब एक इंच की लंबाई पे हम इस नाश्ते को हम काट लेंगे। और एक टुकड़ा उठाएंगे और इसे हल्का सा लंबा करेंगे और दोनों तरफ से इसे हम चिकना कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी बचे हुए टुकड़े को मैंने चिकना कर लिया है। अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने सारे नाश्ते को लंबे शेप में बना लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कप सूजी से कितने सारे नाश्ते बनके तैयार हो गए हैं। इतने सारे नाश्ते मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर में नाश्ते को डाल दिया है। अभी से इसका ढक्कन लगा के अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूंगी। अगर आप इसे फ्रीजर में रखेंगे तो 15 से 20 दिन के लिए इसे कुछ भी नहीं होगा। आप इसे फ्रिज के साइड में 5 से 6 दिन के लिए आसानी से रख सकते हैं। पहले से मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक नाश्ते को डाल के देख लेते हैं। अभी तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने आधे नाश्ते को एक बार में डाल दिया है। अब मैंने गैस के फ्लेम को हाई रखा है, स्लो ना करें। अगर आप स्लो करेंगे तो नाश्ता फट भी सकता है। इस नाश्ते को हम 1 मिनट के लिए टच भी नहीं करेंगे, 1 मिनट के बाद इसे हिलाएंगे। एक मिनट बाद अब नाश्ता अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हल्के हाथों से हम हिला लेंगे। इसे धीरे धीरे और हल्के हाथों से हिलाएं। अभी आप देख सकते हैं इस नाश्ते में हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब इस नाश्ते को 1 से 2 मिनट के लिए हमें और फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अब सारे नाश्ते को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि नाश्ता पकने के बाद कितना बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर से ही बहुत ही कुरकुरी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती है। बाकी बचे हुए नाश्ते को हम इसी तरीके से तल लेंगे। लॉट का भी नाश्ता तल के तैयार हो गया है, इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। जब मैं इस रेसिपी को तल रही थी तो मैंने पूरे टाइम पर गैस के फ्लेम को हाई रखा था। इस नाश्ते को मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। चलिए एक नाश्ते को तोड़ के देख लेते हैं। तोड़ने से ही पता चल रहा होगा ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। यह नाश्ता बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। एक बार इस नाश्ते को बनाएंगे आप घर में तो इसे बार बार बनाएंगे। ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी की बहुत ही अच्छी बात है कि इसे एक बार बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस रेसिपी की बहुत अच्छी बात है कि एक बार बना के 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और इसे फ्रीजर से निकालिए और 3 से 4 मिनट में फ्राई करके तैयार कर लीजिए। अगर आज की रेसिपी आप लोग को यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल घर के जायका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।